पिक पे आप लोग देख रहे हो, देखिए क्या है अंडर आर्म में हेयर। ये आप लोगों का अपना अपना चॉइस है। अंडर आर्म आप सेविंग भी कर सकते हो या मतलब हेयर भी रख सकते हो। पर क्या होता है जब आप पब्लिक फंक्शन में जाओगे, पब्लिकली क्राउड में जाओगे, तो क्या होता है देखिए, जैसे उस मॉडल ने जो वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है वैसे साड़ी के साथ स्लीवलेस, मतलब अगर कोई औरत लड़की लोग ब्लाउज पहनते तो प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब बिलो कॉन्फिडेंस लगता है। अंडर आर्म हेयर से अगर बदबू निकलता है या अंडर आर्म में ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, पब्लिक प्लेस में जाकर थोड़ा बिलो कॉन्फिडेंस लगता है। तो देखिए ज़्यादा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत सारे टिप्स है इस चैनल में। और एक दे रहे मिक्स फ्रूट जो है, मिक्स फ्रूट का पेस्ट बनाइए, वाटरमेलन हनी और थोड़ा हल्का सा रोज़ और पपाया वाटरमेलन हनी और रोज़ वाटर एक साथ बहुत अच्छे तरीके मिक्सचर करके पेस्ट बना के आप अंडर आर्म एरिया में भी लगा सकते हो, फेस में, बॉडी में लगा सकते हो। और अंडर आर्म हेयर में लगाने से क्या होता है, बदबू चला जाता है, डिओडोरेंट इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है और कोई ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा। और ये चेहरे पे भी अगर लगाइएगा तो फेस में कोई पिंपल नहीं आएगा, फेस ग्लो करेगा और बॉडी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये पेस्ट बना के आपको यूज़ करना है, जरूर आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दो हफ्ते के अंदर ही आप लोग देखिएगा, ये हफ्ते में 2 या 3 दिन करिएगा और नहाने से आधा घंटा पहले ये पेस्ट पूरा शरीर में लगाइएगा, अंडर आर्म एरिया में लगाइएगा, फिर ठंडा पानी से धो दीजिएगा, देखिएगा ये फ़र्क दिखेगा आपका। अभी का जो स्किन का ग्लो है उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा स्किन, और अंडर आर्म से भी कोई ब्लैक स्पॉट भी नहीं रहेगा और बदबू भी नहीं निकलेगा, साइड जम के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।